सेकंड क्लास है, कुरान क्लास हम लोगों ने स्टार्ट की है, और रमज़ान सिर्फ रमज़ान में नहीं है, इंशाल्लाह ताला आगे भी नेक्स्ट आफ्टर रमज़ान भी इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट को रिज्यूम करेंगे। सो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने इसको शुरू ही इसी वजह से किया था क्लास को, कि जिनको डिफिकल्टी होती है कुरान पढ़ने में और जिनको कायदे के रूल्स वगैरह जैसे कि नहीं पता या भूल गए हैं, उनके लिए हम लोगों ने ये चीज़ें स्टार्ट की थी, अगर किसी की कोई मिस्टेक्स वगैरह है तो वो इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। तो इस वजह से हम लोगों ने कायदा से हम लोगों ने स्टार्ट किया, ताकि जो किसी को अगर कायदे के रूल्स वगैरह नहीं पता, या बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है कि हम किसको स्ट्रेच करें किसको नहीं करें, किसको हमने मोटा करना है किसको हमने मोटा नहीं करना, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने फिर ये कायदा स्टार्ट किया, और डेली का कोशिश करेंगे कि एक लेसन जो है डेली का वो कंप्लीट कर ले, ताकि जल्द से जल्द जो है ये कायदा फिनिश हो जाए और उसके बाद हम लोग जो है वो कुरान को स्टार्ट करें। यस्टरडे जो हमने स्टार्ट किया था लेसन वो सिंगल अल्फाबेट्स का था, लाइक अलिफ बा ता सा इस तरह का। तो सिंगल अल्फाबेट से, तो इस वजह से, और उसके अंदर हमने साउंड्स का बताया था, अलिफ बा ता सा जिम हा हो। आज सेकंड लेसन है, और सेकंड लेसन के अंदर जो है वो ज्वाइन लेटर्स है, जैसे ऊपर हेडिंग दिया है हुरूफुल हिजा इल मुरकबा, कि इसके अंदर जो है वो हमें ज्वाइन लेटर्स का बताएंगे, बट हम लेकिन हम लोग जो हैं इसके अंदर सिंगल सिंगल लेटर्स को रीड करेंगे। यहाँ पर जो है ज्वाइन लेटर्स तो हैं, बट सेपरेट सेपरेट लेटर्स हम लोग यहाँ पे रीड करेंगे। ये सेकंड लेसन है कायदे का, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे रीड करना है, और वेरी इजी, नॉट अ डिफिकल्ट लेसन। सो शुरू करते हैं हम लोग आपका सेकंड लेसन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट लेटर इज अलिफ, वेरी सिंपल। येस्टरडे लेसन में हमने फर्स्ट लेटर जो था अलिफ, सेम वही लेटर है। सेकंड लेटर इज लाम एंड अलिफ, इसको हम ला नहीं पढ़ेंगे क्योंकि जबर का साइन नहीं है, फतहा या जबर जो भी जो पढ़ते हैं उनके लिए है, क्योंकि इसके ऊपर जो है जबर भी आप पढ़ सकते हैं या फतहा भी पढ़ सकते हैं जो आपको ठीक लगे, बट इसके ऊपर क्योंकि जबर एंड फतहा का साइन नहीं है इसलिए हम इसको ला नहीं पढ़ेंगे, हम इसको सेपरेट सेपरेट पढ़ेंगे, लाम एंड अलिफ। वी डिड नॉट से ला बा ला जैसे नेक्स्ट वर्ड्स जो अभी आएंगे इसके अंदर, हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे, लाम एंड अलिफ। अच्छा, इसके अंदर सेकेंड चीज, ये डिफरेंट शेप्स आपको बताएंगे, ये भी लाम अलिफ है, दिस इज ऑल्सो लाम अलिफ, दिस ऑल्सो लाम अलिफ, दिस इज ऑल्सो लाम अलिफ एंड लाम अलिफ, ये भी लाम अलिफ है। तो फाइव शेप्स आपको लाम अलिफ की बताई है डिफरेंट कलर्स में, बिकॉज ये सब शेप जो है वो कुरान के अंदर मेंशन हुई है, इसीलिए इन्होंने आपको हर चीज कायदे के अंदर बता दी है कि ये भी लाम अलिफ है, ये भी लाम अलिफ है, ये भी लाम अलिफ है एंड ये भी लाम अलिफ है। तो इस वजह से कायदे को जरूरी है कि हमें इसके अंदर जब शेप्स का सारा पता चल जाएगा तो फिर हमारे लिए बहुत सारी चीजें जो है वो इजी हो जाएंगी कि हम उसको रीड कर सकें। इसी वजह से कायदे के अंदर वो सारी चीजें आपको बता देते हैं जो हमारे लिए कुरान के अंदर जरूरी होती है। ठीक है, तो ये भी लाम अलिफ, लाम अलिफ बा अलिफ, इसके अंदर शेप्स हाफ होती है, हाफ शेप्स होती है, बिकॉज कुरान के अंदर वर्ड्स फाइव लेटर्स, सिक्स लेटर्स, फोर लेटर्स इस तरह ज्वाइन हुए हुए होते लेटर्स, तो इसी वजह से यहाँ पर इन्होंने हाफ शेप के साथ आपको लेटर्स का बता दिया कि इसके अंदर जो है वो आप कैसे इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर इन्होंने ज्वाइन किए हुए लेटर्स, कि आपको पता चल जाए कि जब टू लेटर्स या थ्री लेटर्स ज्वाइन हो जाते हैं तो फिर हम उसको कैसे रीड करते हैं। अभी इस लेसन के अंदर आपको सिर्फ ज्वाइन लेटर्स का इन्होंने बताया,
जब हम नेक्स्ट लेसन्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर फिर फतहा या जबर या कसरा या जेर या दम्मा या पेश, वो भी चीजें उसके अंदर आ जाएंगी। तो फिर उससे हमें और पता चल जाएगा कि फिर साउंड कैसे आते हैं जब इनके ऊपर मूवमेंट्स आ जाती हैं, फतहा दम्मा कसरा या जबर जेर पेश आ जाती है। बा एलिफ, वेरी इजी, बा एलिफ। नेक्स्ट लाम एलिफ, लाम एलिफ, लाम लाम एलिफ, लाम हा, लाम हा, लाम एलिफ, लाम एलिफ, बा लाम बा लाम बा। हम इसको बलम्बा नहीं पढ़ेंगे, हम इसको बा लाम एंड बा, वी से बा लाम बा, नॉट बालम्बा। ओके दैट इज रॉन्ग, वी से बा लाम बा। नेक्स्ट इज काफ, शेप्स हाफ होती हैं, जैसे सेकंड मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ये काफ है, दैट इज अ काफ शेप। ओके, बट जब लेटर ज्वाइन होते हैं तो फिर फर्स्ट लेटर की जो शेप होती है वो हाफ हो जाती है, इस वजह से यहां से इसको हमने रेस कर दिया। अब ये काफ है, ठीक है, ये जो शेप्स होती है ना, दैट्स व्हाई आई टेल यू इन फर्स्ट लेसन कि आपको टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन कुरान और इन कायदा, फर्स्ट इज शेप एंड देन इज डॉट, डॉट एंड शेप, दोनों चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको शेप्स का पता चल जाएगा लेसन लेटर्स की, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि आपको पता होगा ये कौन सा लेटर है। एंड देन आपको अगर डॉट्स का पता चल जाएगा कि इस लेटर के इतने डॉट्स होते हैं, इस लेटर के इतने डॉट्स होते हैं, इस लेटर के इतने डॉट्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं, दो चीजें होती हैं कि डॉट्स एंड शेप। ओके, जिसकी वजह से जो है आपको पता चल जाएगा ये लेटर कौन सा है और इसकी शेप कैसे है। ठीक है, तो ये जैसे काफ है, और इसी तरह अगर कोई और लेटर हम लोग यहाँ पर जो है वो मेंशन करते हैं, जैसे ये बा। अब जब हमने इसके साथ कोई और लेटर को ज्वाइन करना है, लाइक बा के साथ अगर हम ता को ज्वाइन कर रहे हैं, तो यहां से बा की शेप हाफ हो जाएगी। ठीक है, एंड देन उसके साथ हमने जब इसको ता को इसके साथ ज्वाइन किया, तो ता यहाँ से इसके साथ ही ज्वाइन हो जाएगी। ये ज्वाइन लेटर्स होते हैं जो आपको कुरान में मोस्टली वर्ड सारे ज्वाइन होते हैं, कायदे के अंदर ही आपको सेपरेट सेपरेट बता रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए लेटर्स का। ओके, काफ काफ, बोथ आर काफ, फर्स्ट शेप इज हाफ एंड नेक्स्ट लेटर इज फुल शेप काफ। नेक्स्ट काफ बा, काफ बा, जो अभी मैंने आपको बात बताई कि हाफ शेप होती है लेटर्स की, इसी तरह ये भी है, जो रेड कलर में काफ है वो हाफ है बिकॉज उसके साथ नेक्स्ट लेटर ज्वाइन हो रहा है। ओके, फर्स्ट लेटर इज काफ एंड देन बा, फर्स्ट शेप हाफ है क्योंकि उसके साथ लेटर ज्वाइन हो रहा है, इसलिए वो हाफ शेप हो गया, उसको हम फुल शेप में नहीं लिख सकते बिकॉज लेटर ज्वाइन हो रहे हैं। नेक्स्ट काफ बा, नेक्स्ट काफ एलिफ, काफ एलिफ, नेक्स्ट काफ एलिफ। अब यहां पर आपको थ्री शेप जो है वो मेंशन होगी काफ की। फर्स्ट शेप जो आपने अभी पढ़ा दिस, ये भी काफ है, इसके साथ ये भी काफ है। अब यहां पर ये ज्वाइन हो गया लेटर, इसलिए ये शेप थोड़ी सी अलग होगी, बट ये शेप आपने यहां पर ये पढ़ चुके हैं आप, ये ठीक है, ये बहुत आर काफ हो गए। फिर उसके बाद ये भी काफ हो गया, इसकी शेप तो इसे डिफरेंट है, ठीक है। फिर ये भी काफ अलिफ है, इसकी शेप आपको डिफरेंट इसलिए लगेगी क्योंकि इसके साथ अलिफ ज्वाइन हो गया। अगर इसके साथ बा ज्वाइन होता देन ये शेप थोड़ी सी अलग होती, या इसके साथ ता ज्वाइन होता, बट अलिफ इसके साथ ज्वाइन है तो वो बिल्कुल साथ इसके टच हो रहा है, इसलिए इसकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है, बट सेम है, सारे काफ अलिफ है। ये भी काफ है, ये भी काफ है, ये काफ बा, काफ बा, काफ अलिफ एंड काफ अलिफ। ओके, नेक्स्ट बा काफ ता, बा बा, हमें कैसे पता चल जाएगा ये बा है, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे वन डॉट है,
बा। उसके बाद रेड कलर में काफ है जो हम पीछे शेप बता चुका हूं मैं आपको पहले, जो शेप हो चुकी है पहले, ठीक है। और उसके बाद ता है, ब्लू लेटर में ता है, ता की पूरी शेप है, बा जो है वो हाफ शेप है। अब बा का हमें कैसे पता चलेगा ये बा है, क्योंकि इसकी शेप टोटली डिफरेंट है। उसके नीचे वन डॉट है जिसे हमें पता चल जाएगा, बा का नीचे वन डॉट होता है। तो ये बहुत इजी है कि अगर आपको डॉट का पता होगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा। नेक्स्ट ता का सा, ता की शेप टोटली डिफरेंट है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये ता है, बिकॉज उसके ऊपर टू डॉट्स हैं। तो बा का वन डॉट नीचे होता है, ता के टू डॉट्स ऊपर होते हैं। तो ये बहुत इजी हो जाता है लेटर्स का आपको जानना कि ये कौन सा लेटर है, बिकॉज आपको डॉट्स का अगर पता हो कि वन डॉट है या टू डॉट्स है या थ्री डॉट। देन ता का सा, ता का सा। नेक्स्ट बा ता सा नून या। ये सारे अल्फाबेट्स आप फर्स्ट लेसन में रीड कर चुके हैं, सो नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। नेक्स्ट बा एलिफ, बा एलिफ नून एलिफ, नून एलिफ, बिकॉज वन डॉट ऊपर है एंड राउंड शेप है। नून की शेप जो है वो राउंड होती है, उसके ऊपर वन डॉट है, तो इसलिए वो नून एंड एलिफ। नेक्स्ट ता एलिफ, ता एलिफ, ता ब्लू लेटर में ता है, बिकॉज उसके ऊपर टू डॉट्स है, इसलिए हमें पता चल गया ता एलिफ। या एलिफ, या ब्लैक कलर में या है, उसके नीचे टू डॉट्स हैं। या कि हमने फर्स्ट लेसन में टू शेप्स पढ़ी थी, फर्स्ट इज जो विदाउट डॉट था और सेकंड जो था वो डॉट के साथ था। तो जब हमने दोनों को रीड किया तो यहाँ पर डॉट्स वाला या है, तो इसलिए हमें इजीली पता चल गया कि इसके नीचे टू डॉट्स हैं तो ये या होगा। अगर यहाँ पर टू डॉट्स नहीं होते और इसकी शेप डिफरेंट होती तो फिर वो दूसरा या होता। सा एलिफ, सा एलिफ। नेक्स्ट बा सीन, बा सीन, बा सीन। फर्स्ट लेटर ब्लू में बा, बा कैसे है, बिकॉज उसके नीचे वन डॉट है, बिकॉज इसकी शेप जो है वो टोटली डिफरेंट है। अब इसके ना फुल शेप नहीं है, ये जस्ट हाफ से भी हाफ शेप है, बिकॉज इसके साथ सीन ज्वाइन हो रहा है, दैट्स व्हाई बा की शेप जो है वो बिल्कुल हाफ हो गई है। देन या सीन, या सीन इन ब्लू या है, बिकॉज उसके नीचे टू डॉट्स हैं, इस वजह से या सीन। नून सीन, रेड कलर में नून है बट उसकी शेप बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है, बिकॉज उसके साथ सीन जो है वो ज्वाइन हो गया, सो वन डॉट ऊपर आ गया, जिसे हमें पता चल जाएगा ये नून है। ता सीन ब्लू कलर में ता है, बिकॉज उसके ऊपर टू डॉट्स हैं, दैट्स व्हाई ता सीन। नेक्स्ट सा सीन, सा क्यों है, क्योंकि उसके ऊपर थ्री डॉट्स हैं, सा के जो है वो थ्री डॉट्स होते हैं, इस वजह से सा सीन। नेक्स्ट सा जी, सा जी ब्लू में सा है, बिकॉज उसके ऊपर टू डॉट्स हैं, थ्री डॉट्स हैं सॉरी, इस वजह से वो सा है, और नीचे सिंपल पूरी फुल शेप में जीम है, इसलिए वो जीम हो गया। ता हा ब्लू में ता है, बिकॉज उसके ऊपर टू डॉट्स हैं, दैट्स व्हाई वो ता हो गया, एंड ग्रीन में हा है। नेक्स्ट नून खौ, नून खौ रेड कलर में नून है, बिकॉज उसके ऊपर वन डॉट है, इस वजह से वो नून है। एंड देन ब्लैक में खौ है, उसकी शेप फुल है, सो इसमें कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, सो इसलिए नून एंड खौ। नेक्स्ट या हा, ब्लैक में या है, बिकॉज उसके नीचे टू डॉट्स हैं, दैट्स व्हाई। बा जीम, ग्रीन कलर में बा है, क्योंकि उसके नीचे वन डॉट है। सो हर जगह पे आपको डॉट एंड शेप दोनों चीजें जो है वो मोस्टली आपको नीड है, क्योंकि आपको डॉट से पता चले कि लेटर कौन सा है। शेप टोटली डिफरेंट होती है लेटर्स की, कहीं पर आपको बिल्कुल टोटली आएगी शेप, कहीं हाफ शेप होगी, कहीं पे फुल शेप होगी, सो टोटली डिफरेंट शेप्स होती हैं। सो आपको डॉट से इजी हो जाएगा आपके लिए कि ये कौन सा लेटर है। नेक्स्ट या मीम, या मीम की ये डिफरेंट शेप है, हमने जो फर्स्ट लेसन में पढ़ा था
वो शेप कुछ इस तरह की थी ना, बट ये जो शेप है ये टोटली डिफरेंट है। तो सेकंड शेप ऑफ मीम यहाँ पे इन्होंने आपको मेंशन कर दिया, या मीम, देन बा मीम, बा मीम, ग्रीन में बा लेटर है, बा नहीं है, शेप टोटली डिफरेंट है, बट वन डॉट उसके नीचे है, उससे हमें पता चल गया ये बा और मीम है। देन नून मीम, नून मीम, नून एंड मीम। नेक्स्ट ता मीम, ता मीम, सा मीम, सा मीम। नेक्स्ट बा या, बा या, रेड कलर में बा है सिंपल क्योंकि उसके नीचे वन डॉट है, इसलिए हमें पता चल गया वो बा है। ब्लैक कलर में या है, या की शेप डिफरेंट है, हमने जो दो या पढ़ी है फर्स्ट लेसन में, एक के नीचे टू डॉट्स थे और एक जो विदाउट डॉट था, ये विदाउट डॉट जो या थी ये वही या है जो अभी बैक साथ ज्वाइन हुई है। उसका जो फर्स्ट पार्ट था, जो फर्स्ट फेस था उसका, वो रेज कर दिया और जो नीचे का राउंड शेप का जो पार्ट था वो ज्वाइन हो गया बैक के साथ, इस वजह से वो हमें ऐसी शेप नजर आ रही है, बट वेरी इजी। ओके सेकंड, या। नेक्स्ट नून या, नून या, रेड कलर में नून है बिकॉज उसके ऊपर वन डॉट है इसलिए, एंड ब्लैक कलर में या है, सेम शेप्स हैं। अगर आप ये नेक्स्ट फाइव लेटर्स की शेप देखें जो या की शेप है वो सेम है, और ये या ये वाली है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ये वाली फर्स्ट लेसन में जो लास्ट की दो लेटर्स है वो है, इसका जो ऊपर का ये वाला पार्ट था वो रेस कर दिया और उसके साथ आगे लेटर को ज्वाइन कर दिया। तो शेप्स एंड डॉट्स बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लेसन, अगर आपको दोनों चीजें पता चल जाएंगी देन आपके लिए बहुत इजी है कुरान भी रीड करना और कायदा भी रीड करना, फिर आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट ता या, ता या। नेक्स्ट सा या, सा या। नेक्स्ट नून बा लाम, नून बा लाम, वेरी इजी। इसकी शेप अगर आप सेपरेट करेंगे तो आपको ये नून जैसा नजर आएगा, लाइक अ नून, स्मॉल नून कह सकते हैं आपके इसको नजर आएगा, और अगर आप इसको भी सेपरेट करेंगे तो ये आपको बाकी शेप नजर आ जाएगी, एंड देन लाम। नेक्स्ट ता नून लाम, ता नून लाम, एवरी वर्ड को हमने सेपरेट सेपरेट लेटर्स पढ़ने हैं, किसी लेटर को किसी के साथ ज्वाइन नहीं करना, बिकॉज ज्वाइन लेटर्स तब होगा जब या तो उसके ऊपर श्रद्धा का साइन होगा जो ज्वाइन करता है लेटर्स को, या उसके ऊपर फतहा दमा कसरा या जबर जेर पेश होगी तब वो ज्वाइन होते हैं, अदरवाइज अभी बिकॉज ये सिर्फ सेपरेट लेटर्स हैं ज्वाइन हुए हैं तो हम इनको पढ़ेंगे भी सेपरेट सेपरेटली। बा या लाम, बा या लाम। नेक्स्ट या ता लाम, या ता लाम। नेक्स्ट सा सा लाम, सा सा लाम। नेक्स्ट नून बा नून, नून बा नून। ओके ये फर्स्ट पेज जो लेसन का था, सेकंड लेसन का फर्स्ट पेज जो अभी हमने आज यहाँ पे रीड किया है, कोई इतना मुश्किल नहीं है इसके अंदर, और मोस्टली आपको ये लेसन आता भी होगा, बहुत से जो लिसनर हैं जो सुन रहे हैं जो जो हमारे साथ अभी हैं उनको ये लेसन आता भी होगा, बट ये उनके लिए भी है कि जिनको बिल्कुल बिगनर्स हैं, जिनको अभी नहीं आता, जिनको लेसन का नहीं पता कि हमने इसको कैसे रीड करना है या कैसे हमने इसको पढ़ना है, जो बिल्कुल अभी स्टार्ट किया जिन्होंने, ये बेसिकली उनके लिए मोस्टली है कायदा पढ़ाने का, वरना आप में सो बहुत से लोग जो हैं जिनको तो कायदा आता भी होगा, सो उनके लिए नहीं है ये। हाँ प्रोनाउंसिएशन के लिए, लेटर्स की क्लैरिटी के लिए, उनके साउंड्स के लिए, तो ये सबके लिए है, बट वैसे अगर लेटर्स का पता है तो अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ बा अलिफ, तो ये सारी चीजें तो सबको पता है ना, बट ये मोस्टली उन फॉलोअर्स के लिए है कि जो अभी कायदा जिन्होंने अभी स्टार्ट लिया है, जो बिगनर्स हैं, तो उनके लिए हर चीज बताना जरूरी है कि लेटर्स को हम कैसे पढ़ते हैं, हम उनको ज्वाइन कैसे करते हैं, जब बहुत सारे लेटर्स ज्वाइन होते हैं तो हम उनको फिर कैसे रीड करते हैं, तो ये सब चीजें उनके लिए मोस्टली है।
इंशाल्लाह ताला जब आगे नेक्स्ट लेसन आएंगे तो वो फिर सबके लिए होंगे, क्योंकि वहां पर आपके जब जबर जेर पेश आ जाएगी उसके ऊपर, ये शद्दा साइन आ जाएगा, या नेक्स्ट लेसन में मद्दा साइन आएगा, फिर वहां पर बहुत सारे ऐसे लेटर्स आएंगे जो कलकला लेटर्स हैं, या थॉट लेटर्स हैं, इख्वा लेटर्स हैं, इजहार लेटर्स हैं, इदगाम लेटर्स हैं, इजहार लेटर्स हैं, शमसिया लेटर्स हैं, कमरिया लेटर्स हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें कि जिनका मे बी मोस्टली लोगों को नहीं पता होगा। कुरान में तो हम पढ़ लेते हैं, बट अगर हम किसी से पूछें कि हम यहाँ पे क्यों स्ट्रेच करें, हमने इसको ऐसे क्यों पढ़ा, कौन सा ऐसा रूल था जिसकी वजह से हमने इसको ऐसे पढ़ा, देन वो मोस्टली लोगों को नहीं पता, या उस रूल का नाम नहीं पता होगा। वरना वैसे तो सबको कुरान पढ़ते हैं तो पता होगा ज्वाइन कैसे करते हैं हम लोग, उसको पढ़ना कैसे है, ये सारी चीजें तो सबको पता होती है। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो होती है कि हमें उस रूल का नाम भी पता हो कि अगर हमने इसको ज्वाइन किया तो किस रूल से किया है, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सारी चीजें भी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में जो है वो इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे, और मैं आपको इंशाल्लाह जरूर बताऊंगा। ये फर्स्ट सेकेंड लेसन का फर्स्ट पेज था जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। सेकेंड पेज भी